हेलो बच्चों, तो हमने स्टार्ट की थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको हमने सॉल्व करने की डिफरेंट डिफरेंट मेथड देख चुकी थी, जो कि हमने प्रैक्टिस 1.1 में देखे थे, इलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देन हमने स्टार्ट की थी प्रैक्टिस 1.2, जिसमें हमने देखे थे ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों, आज हम देखने वाले क्रैमर रूल या फिर डिटरमिनेंट मेथड। ओके, तो अगर हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाने वाले बाय यूजिंग द क्रैमर रूल। ओके, तो क्रैमर रूल पर आने से पहले हम डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। तब एक्चुअली डिटरमिनेंट होता कैसा है, उसका सॉल्यूशन कैसा बनाते, तो देख लेते। सपोज हमारे उसके डिटरमिनेंट है ए बी सी डी। ओके, और चार एलिमेंट क्या दे डिटरमिनेंट के, तो जिसमें जो वर्टिकल दिखाई दे रहा है ये हमारे लिए कॉलम कहलाएगा। ओके, इसमें दो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, इसलिए इसमें कॉलम कितने, दो। तो कॉलम को सपोज मैं C1 से डिनोट कर देता हूं, तो फर्स्ट कॉलम इज C1 एंड इट इज सेकंड कॉलम क्या कहलाएगा, C2। देन जो हॉरिजेंटल होती है उसे हम रो बोलते हैं। ओके, तो ए बी जो तुम्हारा हॉरिजेंटल में दिखाई दे रहा है ये हमारे रो कहलाएंगे, जिसका फर्स्ट रो इसलिए R1 नाम दे देते इसे, और ये जो K है R2। ओके, इसे रो सेकंड बोल सकते हैं हम। तो अभी इसका जो ऑर्डर आने वाला बच्चों, इसमें दो रो दो कॉलम है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर 2/2 का कहलाएगा। यदि अगर से इस डिटरमिनेंट में तीन रो तीन कॉलम होती तो ऑर्डर इसका 3/3 का हो जाता। यदि 4 रो एंड 4 कॉलम होते तो इसका ऑर्डर 4/4 का हो जाता। तो हमें अब देखने वाले इसका सॉल्यूशन कैसा बनाया जाएगा। ओके, तो डिटरमिनेंट का जब भी हमें सॉल्यूशन बनाना है तो हमें ए का मल्टीप्लाई डी के साथ करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो हो जाएगा a(d) - b(c)। ओके, क्या करना है, -b(c). तो ये जो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके आएंगी वो हमारे लिए कहलाएंगे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, जैसे कि एग्जांपल पर आते हैं अपन, तो एग्जांपल ले लेते हैं हमें, सपोज कोई डिटरमिनेंट लिया 2, 3, 4, 5। ओके, हमें बस इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ अप्लाई करना। ओके, तो जैसे कि यहाँ दिया दे रहा है, सबसे पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ए और डी का, तो सेम उसी तरह हम मल्टीप्लाई होगा 2 का 5 के साथ, ये हो जाएगा 2 × 5। ओके, देन माइनस ऑफ 3 × कितना हो जाएगा 4। ओके, कितना हो जाएगा 3 × 4। ओके, तो 2 × 5 हो जाएगा 10 एंड 3 × 4 जो कि कितना हो जाएगा 12। तो 10 - 12 बच्चों ये हो जाएगा -2। इसका मतलब जो डिटरमिनेंट दिखाई दे रहा है उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। तो इस तरह से हम डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो क्रैमर रूल रहने वाला है वहां बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। और इसी टाइप के जो क्वेश्चंस रहने वाले हमारे बोर्ड एग्जाम्स में 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। ओके बच्चों, तो अब हम देखने वाले क्रैमर रूल। तो एक्चुअली क्रैमर रूल का सॉल्यूशन कैसे बनाने वाले, तो हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ओके, सपोज दो साइमल्टेनियस इक्वेशन लेके चलते हैं। सपोज फर्स्ट इक्वेशन है a1x + b1y इक्वल टू सी वन, एंड सेकेंड इक्वेशन लेके चलते a2x + b2y = c2। ओके, तो हमारे दो इक्वेशन दिखाई दे रही जिसका हमें सॉल्यूशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल से बनाना। ओके, तो सबसे पहले हमें जब भी अगर क्रैमर रूल से बनाना है हमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो जैसे डिटरमिनेंट को अपन कोई भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं a b c d, तो जनरल में डी से इसे डिनोट करो। ओके, तो जब हमें डी कैलकुलेट करना है तो डी कैलकुलेट करते समय हमें याद रखना है इस समय a1 एलिडी देगा। ओके, a1 a2 लेना है और यहाँ लेना है b1 b2। ओके, तो सबसे पहले आपके डी की वैल्यू आ जाएगी। तो डी जब भी हमें कैलकुलेट करना है तो कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ y, सेकंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ y लेके हमें कैलकुलेट करना है, यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। देन हमें कैलकुलेट करना है dx। ओके, क्या कैलकुलेट करना है, dx। तो जब हम dx कैलकुलेट करेंगे उस समय x के कोएफिशिएंट की जगह हमारे कांस्टेंट नंबर में c1 और c2 लेना। ओके, ये थोड़ा सा याद रखना है इसमें कि जब भी हमें क्या कैलकुलेट करना है dx, उस समय जो x के कोएफिशिएंट a1 और a2 थे उसकी जगह हमारे पास कांस्टेंट c1 c2 आ जाएंगे, हो जाएगा c1 c2। इन्हें रिप्लेस करना a1 a2 को, उसकी जगह आना है c1 c2 और b1 b2 को एड करना। तो यहां से हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी ds की। ओके, ds आने के बाद हमें कैलकुलेट करना है dy। तो dy कैलकुलेट करने के लिए जब हम dy कैलकुलेट करेंगे तो y के कोएफिशिएंट को रिमूव करना है, रिप्लेस करना है। जैसे y के कोएफिशिएंट b1 b2 दिखा दे रहे, इसको रिप्लेस करके हमें अगेन क्या लिखना है c1 c2। तो हमारे पास a1 a2 एज इट इज रहेगा एंड जो y के कोएफिशिएंट थे p1 b2 उसको हम रिप्लेस करके क्या लिखेंगे c1 एंड c2। तो यहां से हमारा कैलकुलेट होगा dy। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किए d, देन उसके बाद dx एंड क्या कैलकुलेट करना है dy। तो बाय यूजिंग डिटरमिनेंट का यूज करके इनके आप आंसर ला सकते हैं। देन उसके बाद हमें निकालना है वैल्यू कैलकुलेट करना है x की।
तो x इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन d एंड y इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन d, जो कि हमारे क्या कहलाएंगे सॉल्यूशन। और इसमें जो d रहने वाला बच्चों इट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब d की वैल्यू 0 के बराबर नहीं रहेंगी। तो इस प्रोसेस से हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाना है, जो कि हमारा डिटरमिनेंट मेथड कहलाती है, जो कि क्रैमर साइंटिस्ट से इजाद किया, इसलिए हम इसे क्रैमर रूल भी बोला जाता है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं अपन तो एक प्रैक्टिस सेट 1.3 पर। ओके, जो कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है इसमें फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक जिसमें हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया है 3, 2, 4 एंड 5। ओके, तो बच्चों अगेन हमारे पास डिटरमिनेंट दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन बना सकते हैं, जैसे कि हमारे पास दिखाई दे रहा है डिटरमिनेंट 3, 2, 4, 5, तो सॉल्यूशन बनाते समय हमें अगेन 3 का मल्टीप्लाई 5 से करना, तो यहां हो जाएंगे 3 × 5। ओके, माइनस 4 × क्या हो जाएगा 2, तो 2 × 4 लिख दिया हमने, तो 3 × 5 15 हो जाएगा, माइनस 2 × 4 है बच्चों कितना हो जाएगा 8, 15 - 8 का तो कितना हो जाएगा 7, हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो आपके पास जो बॉक्सेस दिए गए बुक में आप उसे फिल कर सकते हैं 15 × 8 = 7। ओके, तो सेम उसी तरह इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसमें बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फॉलोइंग डिटरमिनेंट जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ -1, 7, 2, 4। ओके, देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 5, 3, -7 एंड 0। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन दिया है बच्चे इसमें 7/3 रैशनल फॉर्म में 5/3 एंड 3/2 एंड 1/2। ओके, तो अगेन हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, तो बच्चों फिर से सेम प्रोसेस करने वाली, -1 को मल्टीप्लाई 4 से करना है हमें, ये हो जाएगा -1 × 4। ओके, देन -7 × 2 ये हो जाएगा 7 × 2। ओके, तो ये हो जाएगा -1 × 4 बच्चों ये हो जाएगा -4 एंड -7 × 2 हो जाएगा -14, तो टोटल इक्वल टू हो जाएगा -18। तो हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगा -18, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सेम उसी तरह इसका भी इस डिटरमिनेंट का भी सॉल्यूशन बनाना है, तो अगेन 5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 × 0 देन -3 × -7। ओके, 3 × -7 हो जाएगा ये, देन बच्चे हो जाएगा 5 × 0 0 एंड 3 − × -, यहां बच्चों प्लस हो जाएगा, 3 × 7 हो जाएगा 21, तो हमारा आंसर हो जाएगा 21। तो जो दिया हुआ डिटरमिनेंट है उसका आंसर कितना हो जाएगा 21। सेम उसी तरह हमें इससे का भी सॉल्यूशन बनाना है डिटरमिनेंट का, जो कि 7/3 दिखाई दे रहा है 1/2 दिखाई दे रहा है, तो 7/3 को मल्टीप्लाई करना है हमें 1/2 से, और माइनस 5/3 को 5/3 का मल्टीप्लाई करना है 3/2 से। ओके, 3/2 से, तो यहां हो जाएगा बच्चों तुम्हारा 7 × 1 7 और 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। ओके, देन माइनस 5 × 3 जो कि कितना हो जाएगा 15 और अपॉन 3 × 2 कितना हो गया 7, तो बेस सेम दिखाई दे रहा है -15 एंड 7, 15 - 7 हो जाएगा -9। ओके, सॉरी -8 अपॉन में रहेगा 6, जो कि हम रिड्यूस यदि करते हैं तो उससे ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा -4/3। ओके, तो हमारा डिटरमिनेंट का आंसर हो जाएगा -4/3। तो जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था जिसमें हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना। ओके, तो बच्चों कभी कभी एग्जाम में रूट के फॉर्म में भी हमारे पास डिटरमिनेंट दिया रहता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ मैं। ओके, जो कि अपने बुक में नहीं है बट आपको याद रखना। ओके, सपोज डिटरमिनेंट ऑफ 2, डिटरमिनेंट ऑफ रूट 2 √5, 2√5 एंड 4√2। ओके, इस टाइप से डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो आपका आपको इसका भी सॉल्यूशन बनाना। ओके, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, अपने पास जो डिटरमिनेंट रूट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, रूट्स वाले नंबर दिखाई दे रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम जाने वाला नहीं आपको। सबसे पहले जो प्रोसेस उसी हिसाब से अपन तो रूट टू का मल्टीप्लाई होगा 4√2 से। ओके, रूट टू इंटू हो जाएगा 4 × √2 देन माइनस सेम प्रोसेस है 3√5 × 2√5 हो जाएगा। ओके बच्चे, रूट फाइव तो यहाँ अपन सॉल्यूशन का बनाते तो 1 × 4 हो जाएगा, जो कि बाहर में क्या 4
और रूट टू इंटू रूट टू हो जाएगा टू। ओके सेम इसी तरह यहाँ थ्री इंटू टू बच्चों सिक्स हो जाएगा, रूट टू फाइव इंटू रूट फाइव ये हो जाएगा रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव। ओके तो फोर इंटू टू हो जाएगा एट एंड सिक्स इंटू फाइव जो कि हो जाएगा थर्टी। ओके तो एट माइनस थर्टी जो कि कितना हो जाएगा माइनस ऑफ ट्वेंटी टू। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब भी अगर रूट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको डरने वाली बात नहीं। ओके तो बच्चों इसमें मैं कुछ और होमवर्क के तौर पर आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आपको सॉल्व करना है। ओके आपके बुक में यहाँ के क्वेश्चन थे जो कि मैं सोल्यूशन बता चुका था, तो आपके लिए होमवर्क रहने वाले है। सपोज होमवर्क में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ माइनस टू माइनस थ्री फोर एंड सेवन। ओके तीन क्वेश्चन दे रहे इसमें रूट ऑफ थ्री, रूट ऑफ थ्री टू टाइम्स रूट ऑफ थ्री, थ्री टाइम्स रूट ऑफ थ्री एंड फाइव टाइम्स रूट ऑफ थ्री। ओके एंड सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन रहने वाला फैक्शन में माइनस वन बाय टू, टू बाय थ्री, थ्री बाय टू एंड फाइव बाय टू। ओके तो हम बस ये तीन होमवर्क आपको रहने वाले, तीनों आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके तो नाउ हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि हमारा था क्रैमर्स रूल। ओके जिसमें हमें बोला है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो अभी अभी हमने कुछ देर पहले आपको स्टेप बता चुके हैं कि स्टेप्स में सबसे पहले हमें डी कैलकुलेट करना है, देन डी एक्स कैलकुलेट करना है, देन डी वाई कैलकुलेट करना। ओके देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन था, क्वेश्चन दिया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। ओके जिसमें फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास गिवन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। ओके तो बच्चों हमारे जो दो इक्वेशन दिखाई दे रही है सबसे पहले उन्हें कंपेयर करके हमें ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके तो इसे नाम लेते हैं इक्वेशन नंबर वन, इसे नाम लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर वन हिट ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन एंड इक्वेशन नंबर टू हिट ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू। ओके तो यहाँ से हमारा जैसा इक्वेशन नंबर वन को हम कंपेयर करती थी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन के साथ, तो बच्चों यहाँ से हमारे ए वन की वैल्यू हो जाएगी थ्री, ए वन इक्वल टू थ्री हो जाएगा, बी वन की वैल्यू हो जाएगी माइनस फोर तो बी वन इक्वल टू माइनस ऑफ फोर एंड सी वन इक्वल टू हो जाएगा टेन तो सी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा एटीन। ओके देन इक्वेशन नंबर टू को कंपेयर करते हैं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू के साथ, तो ए टू की वैल्यू बच्चों यहाँ से हो जाएंगी फोर, तो ए टू इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर, देन बी टू की वैल्यू हो जाएगी थ्री तो हो जाएगा बी टू इक्वल टू थ्री, देन सी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइव तो सी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइव। तो यहाँ से हमारे पास ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू आ चुका है, देन हमें कैलकुलेट करना है डी की वैल्यू। तो जो कि डी का हमने फॉर्मूला बताया था आपके पास, जो डी इक्वल टू होता है ए वन ए टू बी वन बी टू। ओके तो यहाँ सारे वैल्यू में पुट अप कर देना है तो जो कि हो जाएगा ए वन ए टू, ए वन ए टू, ए वन ए टू की वैल्यू जो कि थ्री एंड फोर है, बी वन बी टू जो कि हमारे पास दिखाई दे रहा है माइनस ऑफ फोर एंड थ्री। ओके इसका डिटरमिनेंट हम सॉल्यूशन बनाते बच्चों तो हो जाएगा थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई करते अपने, देन माइनस फोर का माइनस ऑफ माइनस फोर का मल्टीप्लाई फोर के साथ। ओके तो हो जाएगा थ्री इंटू थ्री नाइन और इसमें हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस फोर इंटू प्लस फोर जो कि माइनस ऑफ सिक्सटीन हो जाएगा। ओके माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री नाइन प्लस ऑफ सिक्सटीन हो जाएगा एंड देन ऐड करते जिसे तो टोटल हो जाएगा ट्वेंटी फाइव। तो हमारे पास यहाँ डी की वैल्यू आ चुकी है बच्चों ये, तो डी इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया ट्वेंटी फाइव। अब डी आने के बाद हमें कैलकुलेट करना है डी एक्स। ओके जो कि सिंपल सा रहने वाला है, डी एक्स का भी फॉर्मूला हम बता चुके हैं, तो डी एक्स इक्वल टू बताए थे जब हम डी एक्स कैलकुलेट करेंगे उस समय हमें जो कोएफिशिएंट रहने वाले एक एक कोएफिशिएंट उन्हें रिमूव करना है और उसकी जगह कॉन्स्टेंट टर्म में सी वन सी टू पुट अप करना। ओके तो सी वन सी टू एंड बी वन बी टू। ओके बच्चों इक्वल टू में तुम्हारा यहाँ आ जाएगा सी वन सी टू, चलो इसे ले लेते हैं C1 C2, तो C1 C2 की वैल्यू जो कि हमारे पास है 10 एंड 5 तो हो जाएगा 10 और इट इज 5। B1 B2 की वैल्यू जो कि दिखाई दे रही है -4 एंड 3 तो हो जाएगा -4 एंड 3। ओके
अब इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं, डिटरमिनेंट करते हो जाएगा 10 इनटू 3, 10 इनटू 3 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का 3 के साथ और माइनस ऑफ माइनस 4 इनटू हो जाएगा 5। ओके बच्चों, अब यहां का आने पर 10 इनटू 3 30 हो जाएगा, माइनस पे एडिट इसके माइनस 4 इनटू 5 जो कि हो जाएगा माइनस ऑफ 20। ओके, देन 30 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 20 जो कि टोटल मिला के कितना हो जाएगा 50। तो हमारे पास dx की वैल्यू आ चुकी जो कि कितना रहने वाला है 50। सेम उसी तरह हमें कैलकुलेट करना है dy। ओके, तो जब dy हम कैलकुलेट करेंगे उस समय जो y के कोएफिशिएंट है उसकी जगह हमें पुट अप करना है c1 एंड c2। ओके, तो dy कैलकुलेट करते समय हमें a1 a2 को एडिट करना है और जो b1 b2 था उससे आ जाएगा c1 c2 c1 एंड c2। ओके, देन वैल्यू पुट अप करते बच्चों a1 a2 की वैल्यू हमारे पास दिखाई दे रही जो कि 3 एंड 4 है अगेन। ओके, तो हो जाएगा 3 एंड 4 एंड c1 c2 की वैल्यू जो कि कितनी 10 एंड 5 हो जाएगा 10 एंड कितना हो जाएगा 5। ओके, इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो 3 × 5 हो जाएंगे, 3 × 5 इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते तो 3 × 5 माइनस ऑफ 10 × 4 हो जाएंगे। ओके, 10 × कितना हो जाएगा 4, तो 3 × 5 बच्चे हो जाएगा 15 एंड 10 × 4 जो कि कितना हो जाएगा 14। 14 माइनस 15 करते तो यहाँ फिर से बचेगा माइनस ऑफ 25। ओके, तो हमारे पास dy भी आ चुका है जो कि dy की वैल्यू रहने वाली है माइनस ऑफ 25 एंड dx रहने वाला हमारे लिए 50। ओके, तो हमारे पास अभी dx एंड dy आ चुका है, देन हमें फाइंड आउट करना था x और y। ओके, x और y कैलकुलेट करना है तो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, मैं क्रैमर्स रूल का यूज करके x और y कैलकुलेट करना है। तो बच्चों x का फॉर्मूला बताए थे dx/d, तो dx की वैल्यू जो कि हमारे पास है dx की वैल्यू कितनी है 50, तो हम पुट कर देते हैं dx की वैल्यू कितना है 50 और अपॉन में d, तो d की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि d की वैल्यू कितनी था 25, तो अपॉन में कितना हो जाएगा 25, 25 से 50 कैंसिल हो जाएगा जो कि 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, तो हमारे पास x आ चुका है, x आने के बाद हमें कैलकुलेट करना है y। ओके, तो y कैलकुलेट करने के लिए तो y को हमारे पास फार्मूला था dy/d। ओके, तो dy/d, तो dy की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है जो कि dy इक्वल टू कितना था माइनस ऑफ 25, तो dy इक्वल कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 25 और अपॉन में कितना है d कितना था 25, तो ये हो जाएगा माइनस 25 अपॉन 25 जो कि माइनस 1, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1। तो नीचे में आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज जो कि x इक्वल टू 2 था और y इक्वल कितना था माइनस 1, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन रहने वाले वो रहने वाले 2 एंड माइनस 1। ओके, तो बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, सेम उसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन बनाना। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास दिया हुआ था, तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसी में 4x plus 3y minus 4 equal to 0 एंड सेकेंड इक्वेशन थी 6x इक्वल टू 8 माइनस 5y। ओके बच्चों, तो अभी हमारे पास आगे दो इक्वेशन दिखाई दे रही है जिसका हम सॉल्यूशन में बाय क्रैमर्स रूल से बनाना। ओके, तो सबसे पहले हम इसे कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, बट जो इक्वेशन दिखाई दे रही है हमारे पास वो अभी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ओके, सबसे पहले उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि माइनस 4 दिखाई दे रहा है इसे ट्रांसफर करते तो इक्वेशन फॉर्म में 4x plus 3y equal to plus 4 इसे नाम दी इक्वेशन नंबर 1। ओके, और यहां से माइनस 5y को ट्रांसफर कराए तो 6x माइनस 5 इधर आके प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5y equal to कितना हो जाएगा 8 इसे नाम देते इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, नेक्स्ट इसे पढ़ेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद a1x plus b1y equal to c1 and equation number 2 with a2x plus b2y equal to c2। ओके, तो हमें अगेन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करना है। ओके, a1x plus b2y equal to c1 के साथ एंड a2x plus b2y equal to c2 के साथ, तो जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट को कंपेयर करते हैं a1x के साथ तो a1 की जगह हमारे पास दिखाई दे रहा है 4, मींस a1 इक्वल टू हम 4 ले लेंगे तो a1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, b1 की जगह दिखाई दे रहा है 3 तो b1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3 एंड c1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ओके, देन उसके बाद
जो ए टू है, ए टू की वैल्यू दिखाई दे रही है यहाँ 6, तो ए टू इक्वल टू हो जाएगा 6 एंड देन बी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी टू इक्वल टू 5, ओके, एंड सी टू की वैल्यू हो जाएगी प्लस 8। तो हमारे पास अभी ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू आ चुका है। देन हमें कैलकुलेट करना है डी डी एक्स एंड डी वाई, ऐसे सेम प्रोसेस रहने वाली। जैसे डी कैलकुलेट करना हमें, तो डी के लिए ए वन ए टू बी वन बी टू लेना है हमें, ओके। तो ए वन की वैल्यू बच्चों हमारे पास दिखाई दे रही है 4 एंड 6 ए वन ए टू की, तो 4 एंड 6 हो जाएगा। बी वन बी टू की वैल्यू जो की कितनी है 3 एंड 5, ओके। इसका हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो 4 इंटू 5 माइनस ऑफ 3 इंटू 6, ओके, हो जाएगा 3 इंटू 6, तो 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, और 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, 20 माइनस 18 जो कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट में डी की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 2। अब डी आने के बाद हमें कैलकुलेट करना है डी एक्स, ओके। तो डी एक्स कैलकुलेट करते समय सेम प्रोसेस पे से हमें अप्लाई करना है। तो डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना डी एक्स के लिए फॉर्मूला, जो कि सी वन सी टू एंड बी वन बी टू, ओके। जो एस पी कोएफिशिएंट है वहाँ कॉन्स्टेंट हमें लेना है। यहाँ C1 C2 की जो की वैल्यू है C1 C2 4 एंड 8 है, ओके। तो पुट अप कर देते हैं 4 एंड 8, और B1 B2 की वैल्यू बच्चों 3 एंड 5, तो हो जाएगा 3 एंड 5, ओके। इसका हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा 4 इंटू 5, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ माइनस ऑफ 3 इंटू कितना हो जाएगा 8, ओके। तो 4 इंटू 5 ये हो जाएगा 20, और 3 इंटू 8 जो कि हो जाएगा 24, ओके। 20 माइनस 24 जो कि हो जाएगा -4। हमारे पास dx की वैल्यू आ चुकी है जो कि कितनी है -4। dx आने के बाद हमें कैलकुलेट करना है dy। तो dy का जो फार्मूला बताया था हमने वो था a1 a2 c1 c2 मींस जो y के कोएफिशिएंट थे b1 and b2 उसकी जगह हमें रखना है पुट अप करना है c1 एंड c2। फिर से हम यहाँ वैल्यू पुट अप कर देते हैं a1 a2 की जो कि हमारे पास दिखाई दे रही है 4 एंड 6, तो 4 एंड 6 पुट अप कर दिए, और c1 c2 जो कि हमारे पास दिखाई दे रहा था 4 एंड 8, 4 एंड 8 पुट अप करने के बाद इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, तो हो जाएगा 4 * 8 माइनस 4 * 6, ओके, हो जाएगा माइनस 4 * 6, 4 * 8 बच्चे हो जाएगा तुम्हारा 32 माइनस 4 * 6 जो कि हो जाएगा 24, ओके। तो बच्चों ये तुम्हारे पास हो जाएगा 8, 32 माइनस 24 जो कितना हो जाएगा 8। तो dy की वैल्यू हमें यहां से पता चल गई कितना 8। तो हमारे पास d आ चुका है जो कि था d की वैल्यू 2 थी, हां d आ चुका है जो कि -4 था, एंड dy भी हम कैलकुलेट कर चुके कितना था 8, ओके। देन d dx एंड dy कैलकुलेट करने के बाद हमें कैलकुलेट करना है x एंड y की वैल्यू। नाउ बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल का हम ये यूज करना, तो x इक्वल होता है dx अपॉन d, ओके। तो dx की जो की वैल्यू हमारे पास है -4, तो जो -4 अपॉन d, जो d की वैल्यू कितनी है 2 है, -4 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा -2। तो बच्चों x इक्वल हमारा आ गया -2, ओके। x आने के बाद हमें कैलकुलेट करना है y। तो y कैलकुलेट करने के लिए y का फार्मूला तो y इक्वल टू dy अपॉन d, ओके। तो जो dy की वैल्यू हमारे पास दिखाई दे रही कितनी 8 है, ओके, एंड डी की वैल्यू जो की थी 2 थी, तो 8 अपॉन 2 जो की हो जाएगा 4, तो y इक्वल कितना हो गया 4। तो हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ चुकी है। तो हमारे पास जो इक्वेशंस थी गिवन इक्वेशन उसका जो सॉल्यूशन रहने वाला है वो हो जाएगा -2 एंड कितना हो जाएगा 4। तो लास्ट में हम आंसर लेंगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज जो की हो जाएगा -2 एंड कितना हो जाएगा 4। तो साइमल्टेनियस जो गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन हमारा रहने वाला है -2 एंड 4। तो हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर चुके, ओके। तो अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस रहने वाली है उसमें हम क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ का सॉल्यूशन देख लेंगे, और उसके बाद हमारे यहाँ एक्सरसाइज भी एंड हो जाएंगे, ओके बच्चों। तो जब तक आप इसे रिवाइज करने के बाद नोट कर लीजिए, ओके। बाय बाय, टेक केयर।